खबर छतरपुर से है, जहां धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया। ऐसा पहली बार होगा जब सड़क हादसों से परेशान किसी धर्मगुरु ने इस तरह का अभियान चलाया हो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एसपी एगम जैन के साथ थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के साथ गढ़ा गांव में आने जाने वाले वाहन चालकों को हिदायत दी कि वे टैक्सियों में श्रद्धालुओं को ओवरलोड ना भरे, साथ ही किसी भी तरह का नशा करके वाहन न चलाएं। अगर कोई भी वाहन चालक इसका उल्लंघन करता है तो पुलिस उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। तो वही एसपी का कहना है कि बागेश्वर धाम आते जाते समय वाहन दुर्घटनाएं ज्यादा होती थी, इसलिए अब मंगलवार और शनिवार को चेकिंग कर इसकी सख्ती से पालन कराया जाएगा। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत ने और हम सब ने मिलकर निर्णय लिया कि वाहन ड्राइवर्स मदिरापान करके नहीं चलाएंगे। आज विनती की, कल गिनती करेंगे, कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी एक भाई साहब पकड़े गए, हमने पूछा कहाँ से हो, चंद्रनगर से। क्या नाम है? रफीक नाम है। लाइसेंस है? अब मीडिया भी वहां नहीं है, और चार महीने से वो ई रिक्शा चला रहे हैं। ये कानून का उल्लंघन है, बागेश्वर धाम पे ये चलना नहीं जाए। हमने साहब को भी कहा कि इनका चालान कटना चाहिए और भाई साहब को बंद होना चाहिए। आज बागेश्वर धाम के पास गणा गांव में यहाँ पर ये कार्यक्रम किया है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्य रूप से यहाँ पर जो ई रिक्शा और टेम्पो चालक हैं, उनको मुख्य रूप से बताया गया है कि ओवर क्राउड नहीं करना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, शराब पी करके वाहन नहीं चलाना है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ एक दो हमारे यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, उसके बाद से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी यहाँ पर सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और हम सब मिल करके सभी को ये अभियान के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हमारे यहाँ पर घटे।